नमस्कार। सो गुड मॉर्निंग। और ये है 29 मई का सुबह सुबह, और कल रात को नोटिस आ गया है, और जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, प्रोविजनल आंसर की आ गई है, और आप लोगों की ओमर आ गई है। वैसे तो देखिए तो ये ऑफिशियल आंसर की होती है, आप सब लोगों ने टॉप कोचिंग सेंटर्स के आंसर की से अपने मार्क्स का लगा रखा था। क्विकली समझा दूँ ये क्यों प्रोविजनल बोलते हैं, कि भाई अगर बहुत बच्चों को ये लगता है कि नहीं जी आपने जो आंसर दिया है वो ठीक नहीं है, और जो हम आंसर कह रहे हैं वो ठीक है, सो एक प्रोविजन भी होता है कि हम चैलेंज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा मैं ना होता नहीं है, लेकिन आप अगले 4 महीने में देखेंगे, जून से लेकर सितंबर तक कोई कुछ भी काम करते हैं लोग, पहले हमेशा प्रोविजनल करते हैं। मतलब कल को जब मेरिट लिस्ट में निकालेंगे तो प्रोविजनल, राउंड वन का रिजल्ट निकालेंगे तो प्रोविजनल, ताकि भाई किसी को चैलेंज करना है तो कर लूँ। तो नोटिस क्या है, कल रात को आया था, पहले तो कहानियाँ है फालतू की, फिर देखिए ये आगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने एक अपने बच्चे का कर रखा है लॉगिन, तो आपको मोटा मोटी नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए, इन्होंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, तो इन्होंने आपकी OMR शीट डाल दी है, प्लस आपको ईमेल भी कर दी गई है, जो नोटिस में लिखा हुआ है ना, टू फैसिलिटेट कैंडिडेट स्कैन इमेज ऑफ OMR शीट हैज़ बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। वो नई भी है, तो अपना नीट लॉगिन कीजिए, और आपको वहाँ पर आपकी आपकी अपनी OMR शीट मिल जाएगी, और साथ में आंसर की जो फिलहाल प्रोविजनल है। और वो आपसे फिर भी कहते हैं कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, कि आप जितने क्वेश्चंस करना चाहो आप 200 रुपये कर सकते हो, और आप यही कहो कि भाई मैंने OMR में जो डाला था वो गलत है, मतलब मेरी OMR शीट डिफरेंट है, तो फिर आप अपने चैलेंज को भी, अपने रिस्पॉन्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। हर एक की फीस 200 रुपीज़ पर वो होती है, पर आंसर। दो चीज़ें हैं, एक वो कह रहे कि जो आपने OMR भरा था और हमने जो अपलोड किया है उसमें कुछ अगर गड़बड़ आपको दिख रही है तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, 200 रुपये दे के आप करवा सकते हो। सिमिलरली जो इन लोगों ने, नीट वालों ने, NTA ने डाली आंसर की, उस आंसर की में आपको लगता है कुछ आंसर में गड़बड़ है तो आप आंसर चैलेंज कर सकते हो। दोनों में 200 रुपये हैं, ठीक है ना। यही लिखा है इन्होंने, द डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे करना है, वो ये बोला कि आज से लेके परसों तक अलाउड है, हम ऑनलाइन पेमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा नोटिस था। ये कहते हैं कि अपना सेलेक्ट द क्लिक अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज, सेलेक्ट द टेस्ट बुकलेट कोड, लॉग इन विद योर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एंटर सिक्योरिटी पिन। इस तरह से बिल्कुल क्वेश्चन थे, आप हम जानते हैं टोटल टोटल 200 क्वेश्चन थे जो पेपर में दिए गए थे, और ये पूरा उन्होंने प्रोसेस दिया कि आप इसको कैसे कर सकते हो, राइट। सेम है OMR शीट का, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ से आपको होता है आप लॉग इन कर सकते हो, जो आप यूजुअली करते हो, तो उसको करके आप दिखा सकते हो कि कैसा आएगा, ठीक है। सो मेन चीज ये है कि वैसे तो आप प्रोविजनल आंसर की आ गई है, तो अगर 2 दिन का समय देते हैं तो फिर 2 या 3 तारीख को फाइनल आंसर किया जाएगा। जनरली आज तक मैंने बहुत चेंज होते देखा नहीं है, और कोई भी चेंज होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, और फिर आप आज भी अपना स्कोर निकाल सकते हैं, तो इट वुड बी लाइक योर कंप्लीट स्कोर। लेकिन देखिए, हमेशा के तो रैंक नहीं पता चलती, कि पेपर कितना आसान था कितना मुश्किल था इस बार, वो हमें पता नहीं चलता, तो वो तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल रिजल्ट आएगा, जो कि 14-15 जून के आसपास आएगा। बट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके मित्र भी देखें तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कि आप जैसे और भी नीट एस्पिरेंट्स इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बाय बाय। टेक केयर।